हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई 2.0। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एपिसोड 5, राखी स्पेशल एपिसोड 5 में घेवर की रेसिपी। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए हमें। इंग्रेडिएंट शुरू करते हैं हम। ये मैंने मिक्सी लिया है, मिक्सी का बाउल है, जार है, उसमें मैंने घी डाला है, देसी घी डाले हैं 4 चम्मच के, और ये मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ। इसको ठंडा बैटर बनाना है इसका। अब मिक्सी में हम चला लेते हैं इसको क्रीमी टेक्सचर होने तक। एक्स्ट्रा आइस है वो हम निकाल लेंगे। ये एक्स्ट्रा आइस मैं निकाल रही हूँ, अभी तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आया, इसलिए हमें एक बार फिर से घुमाना है इसे। जब तक घुमाना है तब तक हमारा क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, दूध भी ठंडा है। सारी चीज़ें इसमें हमें ठंडी ही लेनी है। चलिए एक बार फिर से इसको घुमा लेते हैं। जब तक क्रीमी टेक्सचर नहीं आता तब तक हमें इसे घुमाते रहना है, मिक्सी में चलाना है। चेक करते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी। ये देखिए क्रीमी टेक्सचर में बन चुका है। अब ये क्रीमी फॉर्म आ चुकी है। अब इसकी इसी स्टेज तक हमें चाहिए, मक्खन जैसा सॉफ्ट होना चाहिए। ये घी हमारा जो हमने डाला था इसमें, मिक्सी में चलाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैदा। आप चाहें तो एक साथ भी डाल सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। लगभग मैं इसमें 5 घेवर बनाऊंगी। 5 घेवर के करीब मुझे 1 कप का मैदा लगेगा। पानी भी मैंने इसमें ठंडा ही डाला है। आपको हर चीज़ इसमें ठंडी यूज़ करनी है। आप धीरे धीरे करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप एक साथ बैटर बना सकते हैं सारा। मैं इसमें धीरे धीरे करके डाल रही हूँ। आप इस बार राखी पर इसे ज़रूर बनाएं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और आसान रेसिपी है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। धीरे धीरे करके आप पानी डालें, इसमें ठंडा पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। आप इसमें जो भी चीज़ें लेंगे वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए बैटर हमारा स्मूथ बनने शुरू हो गया है। एकदम चिकना बैटर चाहिए हमें और बिल्कुल पतला बैटर चाहिए। जितना पतला बैटर होगा जाली उतनी ही अच्छी आएगी बैटर का, इस बात का आप ध्यान रखें। ज़्यादा बैटर अगर मोटा लेंगे तो नीचे तले में बैठ जाएगा। आपको बैटर बिल्कुल पतला बनाना है, जैसे हम डोसा बनाते हैं डोसे से थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। ये देखिए बैटर हमारा पूरा तैयार हो चुका है। लगभग मैंने इसमें 1 कप के करीब पानी डाला है। अभी मैं इसे और पतला करेंगे और साथ ही इसमें मैं डालूंगी ये 1 कप मैदे में मुझे 1 कप पानी लगा है। पानी मैंने ठंडा लिया है। ये पानी बचा हुआ भी मैं ऐड करके इसे पतला बैटर तैयार कर लूंगी। बिल्कुल पतला बैटर चाहिए हमें ताकि हमारी जाली एकदम सॉफ्ट बने। जितना पतला बैटर होगा उतनी जाली अच्छी बनेगी, क्रिस्पी लेयर आएगी इसकी। और इसे अब 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, क्योंकि मिक्सी में चलाते हुए गर्म हो चुका है। ये 20 मिनट बाद मैंने निकाला है बैटर। अब इसमें ऐड करूँगी मैं ये नींबू। नींबू भी स्लाइस मैंने जमा रखी थी, इसकी आइस क्यूब बना रखा था लेमन का, वो मैंने डाला है। आप वो भी चीज़ कोई भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे वो बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं इसमें आपको दो में बना के दिखाऊंगी, एक में बोतल में भर के दिखाऊंगी और एक में चम्मच से भी बना के दिखाऊंगी। आप चाहें तो बोतल से भी बना सकते हैं, कोई भी नॉर्मल बोतल ले सकते हैं पानी की, उसमें हल्का सा छेद करके बोतल से भी बना सकते हैं। और चम्मच की सहायता से, वेजिटेबल चम्मच जो होता है हमारा, उसकी सहायता से भी आप धीरे धीरे बैटर डालें, उससे भी आप बना सकते हैं। ये देखिए मैं आपको चम्मच से बनाकर दिखाती हूँ बैटर हमारा कितना पतला है। घी भी एकदम गर्म हो चुका है। घी का इस बात का भी ध्यान रखें, घी एकदम तेज गर्म होना चाहिए। और ये चाय की पतीली मैंने ली है, हमें कोई सांचे की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई फ्रेम की ज़रूरत नहीं है। घर पर ही आप इसमें चाय की पतीली से आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे छेद करके बीच में से आप बैटर डालते रहें। जितनी बार आप बैटर डालेंगे उतना आपका घेवर मोटा बनेगा। इस तरह से एक सुई कीले की सहायता से आप बीच में छेद करते रहें और धीरे धीरे बैटर डालें। और आंच को बिल्कुल फुल रखें, आंच को धीमे ना होने दें। घी हमारा तेज गर्म होगा तभी इसमें जाली अच्छी बनेगी। और जितने बार भी आप डालते हैं बैटर को अच्छे से मिलाकर डालें। इस बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें राखी पर। मार्केट में घेवर की दुकानें सजी पड़ी हैं, आप देखें बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाने में। ये देखिए इसे इस तरह से दबाते हुए घेवर को घुमाकर पूरा अच्छे से गोल्डन लेयर होने तक पकने दें, फ्राई कर लें उसे अच्छे से।
ये देखिए आपको मैं निकाल कर दिखाती हूँ, आसानी से निकल रहा है बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से, ये मैंने 8 से 10 बार डाला है बैटर, उसमें इतना बड़ा घेवर तैयार हुआ है। ये देखिए 5 घेवर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। मलाई की का रेसिपी आपको देखनी है तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, आप उसमें देख सकते हैं, मैंने मलाई का तरीका उसमें बताया हुआ है। आप मैंने सिर्फ इसमें घेवर बनाना सिखाया आप इसे। ये देखिए घेवर बनकर तैयार हो चुके हैं। मलाई की अगर रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, आप लिंक क्लिक करेंगे तो आपको मलाई का रेसिपी मिल जाएगी और आप घेवर घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। ये इतने बैटर में मैंने 5 घेवर तैयार किए हैं, एकदम हाइजीनिक प्योर तरीके से देसी घी के बने घेवर। आप घर पर ही इस बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।